और मजा किया हम लोग ने रिवर साइड में, बिकॉज़ उसका मन अभी भी वो स्नो फॉल देखने का है। वो कहाँ हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है किसी को नहीं पता। हो सामने जाना, सामने देख, सामने वाओ। तो ये रहा वो चीज जो मैंने एक निशानी के तौर पे लिया है। हमने यहाँ से हम लोग ने शॉल और जैकेट खरीदा है, नंबर इसका 707। तो आइए और खरीदारी कीजिए। सो नाउ इट्स टाइम टू डिनर। जब हम जाते वक्त जिस होटल में रुके थे, जहाँ साबिर भाई मैगी खाए थे, उसी होटल में रुके हैं। और खाना यहाँ पे भी बहुत अच्छा था, पर कवर कर लिया गया हमारे लगेज को। पता चला है कि आगे हमें रास्ते में बारिश मिल सके। सो गाइस ये देखिए, यहाँ पे हमें बारिश मिल चुकी है रास्ते में। देखे कहाँ तक ये बारिश मिलती है। चंडीगढ़ में आपका स्वागत है। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 4 और अभी हम लोग चंडीगढ़ पहुंचे। हमारे पायलट जी को नींद आने लगी है। अभी किसी ढाबे पे रुक के कुछ चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद वी विल गो टू दिल्ली। तो रास्ते अब थोड़े कम होते जा रहे हैं। पीछे तो बहुत सारी बारिशें थी जिसने हमारे स्पीड को स्लो कर दिया। यहाँ पे पूरी बारिश हुई हुई है चंडीगढ़ में। चलिए आगे ऑफिस ऑफ से मिल के आपसे बात करते हैं। चंडीगढ़ के बाद मिठा कैसा, मिठा तेल पत्ती मिठा, यहाँ पे रुके हैं टी ब्रेक के लिए। चंडीगढ़ क्रॉस हो गया और फिर से हम पहुँच गए पंजाब में। और सुबह के 5 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, और अभी हम पंजाब में हैं। और यहाँ से 230-240 किलोमीटर और दिल्ली है। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी पहुँच जाए, बिकॉज अगर ट्रैफिक मिल गई हमें तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। और हमें जल्दी जल्दी से जल्दी पहुंच के लगेज रख के कुछ थोड़ी शॉपिंग करनी, उसके बाद बैक टू स्टेशन। पंजाबी ट्रेडिशनल स्टाइल, बहुत ही यूनिक ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल स्टाइल में बैठ के हम लोग चाय का आनंद लेंगे। हमारे पायलट जी परेशान कर चुके हैं। होटल वोटल भी है क्या, मतलब अंदर रहने के लिए होटल है क्या, ढाबा है, ढाबा तुम उस दिन रुके थे वो देखा था ढाबा। वो तो बिल्कुल सिंपल ना, उससे भी अच्छे अच्छे हैं वहाँ पे, मन भरा उससे भी अच्छा है। शिवा का देखा ना, शिवा का देख लो तो तुम कहो यार ये होटल ढाबा है या होटल है। खान पान सेवा है। Finally, we are
इन दिल्ली। सो दिल्ली में हम लोग की एंट्री हो चुकी है। अरे भी अभी करनाल ही है। अरे यार भाई मुझे लगा दिल्ली में हम आ गए, अभी तो करनाल में है। 3 घंटे बाद हम लोग दिल्ली में पहुंच जाएंगे। और सुबह हो चुकी है, सुबह के 7:30 बज चुके हैं और अभी फ्रेश होना बाकी है, नाश्ता करना बाकी है और दिल्ली में अपने सामान लगेज को रखना बाकी है। उनके बाद इनके मालिक साहब से भेंट मुलाकात करना बाकी है, इनकी विदाई करना बाकी है, अपनी विदाई करनी बाकी है। आज सब पता चल जाएगा कौन कहाँ कहाँ डिवाइड होगा। तो अभी देखिए रोड तो बहुत क्लियर थे, ट्रैफिक इतनी थी नहीं, लेकिन अभी कुछ गाड़ियाँ आगे पीछे से आ गई हैं। हमें लग रहा है अगर आधा एक घंटा ऐसे ही रहा तो आगे हमारे गाड़ी की बौछार हो जाएगी और हमें ट्रैफिक मिल जाएगी, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है ट्रैफिक। तो हमें दिल्ली पहुंचना है और वहां से कुछ शॉपिंग करनी है, फिर अपने लगेज उठाने हैं, फिर न्यू दिल्ली से ट्रेन पकड़नी है, बहुत कुछ करना है यार। टाइम से पहुंचेंगे तभी तो होगा, 7:30 बज गए, नाश्ता भी नहीं किया अभी। देखते कब तक क्या होता है, अब तो है ना जाइएगा ना। पुलिस वाले ने किसी चीज के लिए नहीं रोका, लेकिन जैसे हम लोग दिल्ली में वापसी में एंटर हुए मुरतल में तो मास्क के लिए गोलू और आरिफ दोनों पकड़े गए। मेरा लगा हुआ था मगर पकड़ लिए। और उनके 500 रुपए एक जन के चलान। बाद में हमारे पायलट जी ने बोला कि अरे सर ट्रेन छूट जाएगी, बच्चे हैं सोए हुए थे, जो भी एक्स वाई जेड रीजन दिया, बहाना दिया। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा चलो एक का दे दो, एक को मैं छोड़ रहा हूँ, एक का दे दो 500 रुपये। फिर ले दे के तो कुछ ना कुछ तो देना ही था। फिर हम गए, हमारे पर्स में जो भी बचे थे खुले पैसे सारे निकाल के दे दिए। वो काउंट भी नहीं किए कितने थे, वो पुलिस ने पूछा कितने वाला सर कुछ पता नहीं, जो था सब ये पर्स खाली है उन्होंने रखा। हम लोग को गाड़ी में बोला कि जाओ, गाड़ी में बैठे और निकल लिए। अभी हम लोग की जो मुरतल कौन सा वो दुकान है, 70 माइलस्टोन जहाँ पे हम लोग आते टाइम चाय पिए थे, वहाँ पे रुक के चाय और ब्रेकफास्ट करेंगे। क्या बताएं, दिल्ली में घुसते ही लग गई अपनी ये फालतू पैसे मेरे को बहुत तकलीफ देते हैं। देखो यार, चलिए होते रहते, छोटी छोटी चीज़ों से आदमी सीखते हैं। अभी ये याद ही है, अब देखे दिल्ली में क्या होता है आगे। मेन सिटी तो बाकी ही है, वो सिर्फ इनके चलान के वजह से, वरना हम लोग पे नहीं करते तो इनके गाड़ी का चलान कटता और कुछ होता नहीं, पकड़ में परेशान करते। चलते मुरतल में आपसे बातें करते हैं और वहाँ पर कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं। मुरतल वहाँ के चाय हमें बहुत अच्छे लगे, क्योंकि हम लोग ने चाय, अरे पहलवान ढाबा है यार भाई, हमें बोले पकवान आ गया क्या यहाँ पे भी एकदम भी पैसे बनाए। और यहाँ पे हमारे शंकर जी और हनुमान जी
यहाँ पे राम जी का होना चाहिए था हनुमान जी के साथ। और ये है टेम्पल और आगे अपना मन्नत के आगे है मूर्थल। उतना नहीं मूर्थल में क्या है पैराग्लाइडिंग स्नोफॉल स्नोफॉल यही तो है हाँ। मुस्कुराई अब मूर्थल में तो ये पैराग्लाइडिंग करते हैं आपको पैराग्लाइडिंग करना है या रिवर राफ्टिंग अंदर स्नोफॉल हो रहा है स्नोफॉल अंदर हो रहा है अंदर स्नोफॉल तो आप कपड़े चाहिए आपको जैकेट चाहिए साबी भाई जाएंगे अंदर साबी भाई जाएंगे सादिक मूर्थल में आपको क्या करना है मूर्थल में मुझे स्नोफॉल का फील करना है आओ कोई नहीं चलो तो वहाँ पे कुछ किलोमीटर दूर स्नोफॉल होके रुक गया और चलते मूर्थल के अंदर जब दोबारा मौका मिलेगा तो बोलिए बोलिए आप बोलिए अंकल क्या बोल रहे थे तो ये रहा 70 माइल स्टोन आई लव मूर्थल। तो आज यहाँ पे भी हम लोग का लास्ट है क्या मालूम कब आएंगे यहाँ पे। और यहाँ की चाय हम लोग ने पी थी वो बहुत टेस्टी थी। अब यहाँ का कुछ परांठे खाएंगे तो लेट्स सी क्या टेस्ट है। तो ऑर्डर में हम लोग ने ड्राई फ्रूट पराठे 2 विच इज प्राइस 120 और एक गोभी पराठे उसके कुछ 70 या 80 कुछ रुपए है तो ऑर्डर किए। ड्राई फ्रूट पराठे थोड़ा न्यू है अपने डिश में क्योंकि अभी देखा हम लोग ने तो उसको ट्राई करने के लिए टेस्ट करने के लिए उसको ऑर्डर किया है। तो ये क्या है ये आते हैं तो फिर देखा जाता है कैसे है ड्राई फ्रूट। तो फाइनली और मूर्थल पहुँच चुके हैं 70 माइल स्टोर पर हमने जाते वक्त भी यहाँ पे आया और आते वक्त भी यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं जी हाँ काम बहुत ही फ्रेश महसूस कर रहे हैं हम लोग रिफ्रेश हमने फ्रेश कर लिया है फ्रेश हो लिया है ये भाई भी फ्रेश हो लिया है अर्साना भी फ्रेश हो रहा है वो आ रहा है लेकिन सुबह देता है मैंने भी फ्रेश हो गया वो अभी फ्रेश नहीं हुआ है उसका भी पेट ही नहीं भरा है बोल रहा है चलेगा कब ये नहीं पता ओह बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ से 6 किलो अंकल यहाँ से कितना किलोमीटर है दिल्ली 55 किलोमीटर है यहाँ से मान चलिए कि 1.5 घंटे में हम लोग टच करते हैं अगर अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो 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 1 घंटे में भी 1 घंटे में 40 मिनट में भी आधे घंटे समय जाते समय वहाँ पे नाश्ता करेंगे हैवी वाला तो ये रहा अपना ड्राई फ्रूट परांठे जो कि पर पराठे के 120 रुपीज़। तो हमने 2 ऑर्डर किए और इसके साथ बटर और गोभी के परांठे भी अभी ऑर्डर हुए हैं वो भी आएंगे। ये है ड्राई फ्रूट परांठे माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक ऑसम गजब का ये सब मजा आ गया ये जरा नहीं बहुत जरा 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 हम मूर्थल में आ गए पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं ये जरा 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 नहीं ये बहुत जरा 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 अच्छा है सब हो गया ब्रेकफास्ट हो गया अभी बिल पेमेंट का बिल सेटलमेंट का टाइम है तो सब ये थोड़ा देख रहे हैं कि क्या क्या हम लोग का चार्ज लगा है सही है कि नहीं है सेटलमेंट करने के बाद फिर यहाँ से अपना चाय खत्म कर ऑल सेट नाउ इट्स टाइम टू लीव मूर्थल को अब अलविदा करते हुए मज़ा आया यहाँ पे परांठे खा के
ड्राई फ्रूट पराठे आप यहाँ पे आए तो ज़रूर खाएं, बहुत ही टेस्टी था। बाकी आपको जो भी पसंद है वो खाएं। चलिए फिर आगे के कुछ व्यू देखते हैं, रास्ते देखते हैं। सो ये है कुछ दिल्ली के नज़ारे, और मुस्कुराइए, हम और आप दिल्ली में हैं। गाड़ियों का आवाजमन और इतनी गाड़ियाँ दिल्ली को प्रतीक करती है कि हाँ हम दिल्ली में हैं। तो फिलहाल ट्रैफिक मिल रही है और ख़त्म भी हो रही है, गाड़ी चल रही है, शुक्र है अल्लाह का कि अभी हम लोग रुके नहीं है, चलते ही जा रहे हैं। और ये पता नहीं कब कहाँ स्टॉप हो जाए, कोई नहीं जानता। वही हुआ जिसका हम लोग को डर था, हम लोग ट्रैफिक में फंस गए हैं, गाड़ी हमारी आधे घंटे से ट्रैफिक में ही है, मतलब बता भी नहीं सकते कौन सी स्पीड से गाड़ी हमारी चल रही है, 10 की भी नहीं चल रही है, अभी तो फिलहाल रुकी है, आगे का आपको दिखाते कितनी ट्रैफिक है कितनी। तो ये देखिए ट्रसेस देखिए, और ये रहा मेट्रो का काम चालू, तो इसकी वजह से तो और जाम लग चुका है। कोई नहीं, 12 बज चुके हैं, अभी भी अपने पास 5 घंटे हैं ट्रेन को, और देखते हैं। चलिए फिर आपसे मुलाकातें होंगी, तब तक ये जाम का कुछ करते हैं, ट्रैफिक है उसका कुछ करते हैं। ये है हमारे सामने कुतुब मीनार, स्वागत करिए आप, हम दिल्ली में हैं और आप भी। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं करोल बाग, और वहां से हम लोग जाएंगे न्यू दिल्ली स्टेशन। टाइम इज 12:51, ट्रेन आती हुई हम सफ़र एक्सप्रेस, और हम लोग बनारस जाएंगे। तो ये सफ़र दिल्ली तक का ही था, और दिल्ली से बनारस, बनारस से फिर कैब करेंगे और अपने घर गाजीपुर जाएंगे। तो ट्रेन तो 2 घंटा ही पहले ही आ गई थी, इसका टाइम था 5:45, बट ये 3:45 पे लगी थी, मतलब आलमोस्ट ये 2 घंटा पहले ही ये प्लेटफॉर्म पे लग गई थी। और ये रही अपनी ट्रेन, और इसके केबिन बहुत क्लियर है, क्लीन है, और बाथरूम भी बहुत क्लीन है, सारी चीज़। एक्चुअली हम सफ़र है तो हम सफ़र की जो परफॉर्मेंस है क्लीननेस में वो सभी को जानते हैं, बहुत ही अच्छी है। तो चलते हैं फिर आपको अंदर का कपड़ा दिखाते हैं इंटीरियर। तो ये रहा अपना हम सफ़र कोच B3 एंड B3 में क्या हो गया 64। आएगा अंकल इधर एक डाल लीजिए, इधर ले ले भाई। अरे यार ये जो भाई को, अरे जरा साइड हटिए, जरा 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 प्याज ले लो, दे दो खाने, दे दो यार भाई, भेज दे दो यार, ले लीजिए क्या गलत कर दिया हमने। अरे सीट अपने कब्जा कर रहे हैं अपने भांजे का। अरे यार भाई कौन सी सीट हमने कब्जा कर लिया, कौन सा सीट कर लिया, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ बिल्कुल नहीं पसंद है ना, जरा इनका बात सुन लीजिए, जरा बताइए क्या कहना चाह रहे हैं जरा। वो तो मैंने आधा अंडा दिया तब जाके इनका खान पान हुआ। ये मेरा जरा धीरे बोलो, कुछ सुन लेगा कैसे। हम सफर ट्रेन में, थोड़ा धीरे बोलिए, सब लोग सो रहे हैं। बताइए क्या किया जाए, बस आखिरी दिन है, लास्ट डे मस्ती का, फिर काम धंधे में लग जाएंगे, अर्थला दो चार कलम चलाएगा, ये दो चार लोग को भूल देंगे, और तू दो चार कलम चलाओगे हो सकता है, ऐसा ही कुछ हो सकता है। अरे जरा ये बताइए, दो जी में इंसानों को बाय नहीं करना चाहिए खाने में। देखिए अरे वो टुंडे कबाबी के लिए इंतजार कर रहा था, टुंडे कबाब का है। अरे यार सही बता रहे, शादी की सही बता रहे तू, रह कभी कभी रह भाई,
फेक के ना तुम बौछार हो वेलकम टू बनारस। तो सुबह के 7 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं कैंट स्टेशन बनारस, और हमारी गाड़ी अभी 1-2 घंटे में आ जाएगी, 1 घंटे में अभी वो रास्ते में सैदपुर, और हमें पिक करके हमको ले जाएगी गाजीपुर। तो ये हमारी ट्रेन थी, अब देख रहे हैं पीछे बैक साइड, और ये बिफोर ही हम लोग को बनारस में पहुंचा दी, और यहाँ से हमारे भाई अरसलान और सादिक दोनों बिछड़ गए। हम उनको बहुत कोशिश कर रहे थे कि साथ में चले, लेकिन यार उनको कलम चलाना था, इसके वजह से चले गए, क्योंकि उनको रिकवरी भी करना है पैसे की जो यहाँ पे स्पेंड किए हैं ये टूर में, पूरे सफ़र में बहुत ही कोशिश किए कि यार थोड़ा और मज़ा आ जाएगा गाजीपुर तक चलो। मैं घर पे बिरयानी भी बनवा चुका हूँ उनके लिए, लेकिन वो भाई रुके ही नहीं, यहाँ तो फटाफट बैग लिए और उनकी ट्रेन मऊ के लिए लगी थी विदाउट टिकट, और भग गए और ट्रेन में घुस गए। तो भाई अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो हम आपको बहुत मिस करेंगे, और बहुत ही अच्छा सफ़र रहा आपके साथ और बहुत इन्जॉय किए। आई होप हम दोबारा फ्यूचर में ऐसे ही इंटरटेनिंग वाली सफ़र करेंगे और खूब मज़े करेंगे। तो आपकी जर्नी अच्छी हो, आप अच्छे से पहुँचे, और आई होप कि ये ट्रिप आपको एक अच्छी सीख मिली हो और आपने इन्जॉय किया होगा। फिर तो चलिए आप बनारस के कुछ थोड़ा सा सर्कल देखते हैं, उसके बाद कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, फ्रेश होंगे, तब तक तो हमारी गाड़ी भी आ जाएगी और फिर हम चल देंगे सफ़र की ओर। अभी थोड़ी सफ़र और बाकी है, मंजिल बाकी है हमारी, घर हमें अपने घर पहुंचना अभी थोड़ा सा बाकी है, 1-2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे के अंदर में हम अपने घर पे पहुँच जाएँगे। तो आपसे पूरी डिटेल शेयर करते रहेंगे, बने रहिए वीडियो में, कहीं जाना नहीं। सो अलविदा मेरे हम सफ़र, मेरे साथी, ये ट्रेन बहुत ही शानदार है, इसके क्लीननेस बहुत साफ़ है, बाथरूम बहुत साफ़ है, और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। ये आफ्टर नहीं बिफोर चलने वाली ट्रेन है। साबिर ज़रा उनके लिए कुछ कहो। बहुत ही किधर निकला जाएगा, मतलब फिरोज आदमी है, चल आए हैं साथ में, गए हैं गल्ले, अकेला थोड़ी है। अंगूर कितना, हाँ यार ये अच्छा नहीं कियो यार सादिक, अगर ये वीडियो देखोगे तो बहुत गलत कियो। चलो चलो, गाजीपुर से सफ़र स्टार्ट किए थे तो गाजीपुर तक एंड करना था। साबिर ज़रा बोलिए अपने उन जरा जरा वाले दोस्तों के बारे में। मैं जरा जरा साथियों के बारे में ये कहना चाहता हूँ, सादिक और शद अरसलान ने बहुत ही हम लोगों को और लगा, वो मुझे छोड़ के स्टेशन पे चले गए, उन्होंने इतनी दूर का सफ़र साथ सबका साथ सबके विकास के साथ चल दिए, मनाली से लेके शिमला तक, शिमला से लेके दिल्ली तक। कलम की भूख हो गई, तो मुझे कलम चलानी है और रिकवरी करने हैं, और रिकवरी करने हैं जो पैसे हम लोग ने यहाँ पे स्पेंड किए। अरे यार सादिक, यार अभी हम लोग को एक रिव्यू देना था यार, सादिक से बात करते हैं अभी सामने से। सादिक यार तुम छोड़ के चले गए, अच्छा नहीं लग रहा सच बोलो तो, सफ़र कितना सुहाना था, कितना मज़ा किए, पता ही नहीं चला कि हम लोग कहाँ हैं, किधर है, कब रास्ते कट जाते थे, कब सफ़र ख़त्म हो जाते, पता ही नहीं चलता था, कब मंजिल पहुँच जाते पता नहीं। यार तुम छोड़ के चले गए यार, गाजीपुर तक थोड़ा साथ देते तो बहुत अच्छा रहता। खैर तुमने यार एक चीज़ तुमको याद दिलाया था कि हमें रिव्यू देना था उस कैब एजेंसी को, वो सब साथ में करना था, लेकिन यार भाई तुम चले गए, हम लोग का भी अधूरा रह गया वो कैब एजेंसी को, जो हम लोग को व्यूवर्स हैं उनको बताने के लिए कि उनकी फैसिलिटी क्या थी, उन लोग ने कितना कैसा फ्रॉड किया हम लोग के साथ, और क्या क्या बात हुई थी, और क्या क्या बातें क्या क्या उन लोग ने किया। यार सादिक ये सब तो हमें अकेले ही बोलना पड़ेगा। खैर खुश रहो, मस्त रहो, बुरा मत मानना भाई, जो भी अगर हम लोगों ने गलत सही कहा हो या कुछ किया हो, अगर जो भी कुछ गलत हुआ होगा तो हम माफ़ी चाहेंगे तुम दोनों से, अरसलान और सादिक से, अगर कुछ ऊंच नीच हुआ होगा ये सफ़र में, कुछ कहीं भी कुछ बुरा लगा होगा, बाकी तो यार मेरे अंदर कुछ नहीं है, तुम लोग बहुत सही थे, एवन थे, ऐसे ही रहो, मस्त रहो। Yeah.
बात बता देती आप लोग से आने के बाद बहुत अच्छा लग रही है यार, कैसे कैसे लोग होते हैं, कमिटमेंट कुछ और करेंगे और बाद में कुछ और करेंगे। हम लोग दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से जो कैब ली, जो हमारी बातें हुई थी वहाँ पे कि हमें पूरे दिल्ली की साइट सीन, जो मनाली की जो साइट सीन है पूरे होंगे, गुलाबा, सोलांग वैली, अटल टनल और वासीकरण वासी और तिब्बतीन मंश्री, तो एक्स वाई जेड जो भी मनाली की साइट सीन में जो आते हैं। तो हम लोग अटल टनल जाना था, तो हम लोग सोचे अटल टनल क्रॉस का ही बात किए होंगे, वो क्लियर नहीं बताए थे, वो हम लोग को सस्पेंस में रखे थे। वो जो कैब के मालिक थे मिस्टर राजेश दुबे और शांति एंड ट्रेवल्स, इनकी कंपनी का नाम है जो कि करोल बाग में है, तो इतने फ्रॉड किए हम लोग के साथ, बोले अटल टनल दिखाएंगे। जब हम लोग मनाली पहुंच गए तब उनका जो ड्राइवर है कि बोला कि अरे बात चल रहा था, तो मैंने बात किया मिस्टर ऑनर है मिस्टर राजेश दुबे से, तो वो बोले कि देखिए हमारी बात सिर्फ अटल टनल दिखाने की होती है, वो बाहर से अंदर जाने की नहीं होती। अगर अंदर आप क्रॉस करते हैं, आप केलोंग जाइए 2500 रुपये लगेगा, आप हमें 2000 रुपये दे दीजिएगा। बोले अरे सर ऐसी बात नहीं होती, हमें अटल टनल देखने का मतलब अंदर से देखेंगे, बाहर से क्या मतलब है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं होती, अटल टनल बाहर से दिखाने की बात होती, क्रॉस करने की बात नहीं होती। वहाँ पे वो पलट गए, तो हम लोग बोले चलो यार छोड़ो ज्ञान दो, हाँ जो भी हम लोग को घुमा दिया, जिसे भी बोला कुछ और किया कुछ और। मिस्टर राजेश दुबे भूलिएगा मत, शांति एंड ट्रेवल्स करोल बाग में है उनकी भी। अगर आप करोल बाग से कहीं से कर रहे हैं तो ये नाम याद रखिएगा, शांति एंड ट्रेवल्स सीईओ ऑफ राजेश दुबे, इतने बड़े भाई वो फ्रॉड किए हम लोग के साथ। फिर चलिए हम लोग, चलो ठीक है मान गए, चलो अटल टनल बाहर से देखेंगे। अटल टनल की ओर गए तो वहाँ पार्किंग ही नहीं है, पुलिस आगे चलो आगे चलो आगे चलो, रुको मत, पुलिस लगी हुई थी, आपने देखा ही होगा वीडियो में। तो हम लोग आगे क्रॉस कर लिए, अटल टनल क्रॉस करके वो बाजू गाड़ी पार्किंग कर ली, पार्क ला के उधर थोड़ा घूमे, ठीक है। तो यहाँ से अटल टनल ये साइड से वो बाजू 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 9 किलोमीटर का वो टनल है, मतलब समझ लीजिए 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर हम आगे गए, 10 किलोमीटर हम वापस आए। नेक्स्ट डे उनका कॉल आता है, आप अटल टनल क्रॉस करके 28 किलोमीटर आगे गए थे, उसका चार्ज लगेगा ये वो ऐसे वैसे। बोला अरे आपका ड्राइवर है, आप पूछ लीजिए, ड्राइवर क्या मेरे पास जीपीएस लगा हुआ है गाड़ी में, ये वो ऐसा वैसा, मैं आपको भेज देता हूँ ये वो। तो उन्होंने वहाँ से भेजा, तो उसमें चली थी गाड़ी 21 किलोमीटर, वो भी क्या 9 किलोमीटर जाना 9 किलोमीटर आना, और एक अलग लो ऐसे ऐसे समझ लो 21 किलोमीटर। उन्होंने 21 किलोमीटर का 2500 रुपये मांगा 21 किलोमीटर, जो कि हमने गाड़ी फुल डे के लिए उनसे रिजर्व की थी, 15 तारीख से लेकर 16 तारीख तक हमारे पास गाड़ी थी, और हम लोग ने गए थे वहाँ पे 14 तारीख को, हम लोग गए थे वहाँ तक के जाने का उन्होंने हमसे 2500 रुपये चार्ज किया। अगर वो मैं नीचे से गाड़ी करता मनाली से, तो मेरे को 2000 में गाड़ी मिल रही थी, इनोवा टवेरा, वो भी केलोंग तक लेके जाती विद परमिशन, क्योंकि परमिशन लगते हैं, और वहाँ से आपको लेके आती घुमा के। तो यार ये तो बहुत बड़ी फ्रॉड कर दी उन लोग ने, ठीक है हम लोग गए। फिर अब सीन ये हुआ कि हम लोग का सामान था मदनगिरी में, तो हम लोग दिल्ली जब वापस आए तो हम लोग सोचे अपना सामान लेके करोल बाग जाकर उनसे बात करते हैं, अपना बाजू में अपना न्यू दिल्ली स्टेशन है वहाँ से ट्रेन है हमारी। तो हम लोग मदनगिरी गए, सामान लिए, तो अब उनका फ़ोन आ गया ड्राइवर को, तो ड्राइवर ने झूठ बोल दिया कि ऐसा है हम लोग 2 दिन यहाँ पर उतारने आए, 4 लोग को लेके आ रहे। अब ड्राइवर ऐसा बोल दिया तो हम लोग क्या बोले, फिर हम ड्राइवर ठीक है हम लोग वहाँ से सामान पिक करके करोल बाग आ रहे, ड्राइवर ऐसा है तो लोग उतर जाओ क्योंकि
कि चार लोग ही जाना, दो लोग उतर जाओ। तो दो लोग ठीक है भाई, तो ड्राइवर हमारे वहाँ पे रोक दिए। दो लोग जैसे उतर तो पीछे से वो मालिक आ गए, क्या भाई क्या हो रहा है ये वो। अब ड्राइवर ने कुछ नहीं उतरना था, तो यहाँ तो छः लोग हैं, दो लोग को कहाँ उतारे। तो ड्राइवर ले रहे हो दो लोग को, मैं वहाँ पर उतार दिया और लोग ऐसे वैसे। तो मतलब टोटल उन लोग ड्राइवर फंसा दिया हम लोग को कि हम लोग आठ लोग, आठ लोग वैसे करे तुम पूरा मना कि ये वो। इतना भड़का वो भाई साहब, इतना भड़का कि क्या ही बताऊँ मैं। अब वो हम लोग का ड्राइवर भी हमें उलझा दिया, फंसा दिया उसमें। तो हम लोग क्या बोले, फिर हम लोग गए उनके कैबिन में, ऑफिस में बात की। पहले तो बहुत भड़के आप लोग आठ आठ लोग ले गए, ये वो है, कुछ हो जाता तो रिक्स कौन लेता, चलान कट जाता तो कौन है, ऐसा वैसा खूब गाली वाली जो भी एक्स वाई डेट दिए। फिर मुझे रहा नहीं गया, मैं बोला सर मेरे पास पूरी वीडियो है पूरे सफ़र की, आप चेक कर लीजिए। हम लोग छः से ज़्यादा नहीं थे, दो जो है वो झूठ बोला ड्राइवर ने, जस्ट बिकॉज कि वो आपसे एक झूठ बोल दिया कि हम लोग छोड़ने आए मदनगिरी हम गए थे अपना सामान लाने, पिक करने, वहाँ से यहाँ आ रहे। तो फिर अब ड्राइवर शांत हुआ, तो झूठ क्यों बोले ये वो, बोला हम लोग क्या बोले, झूठ तो आपका ड्राइवर बोला। फिर चलिए ये सब हो गया, उसके बाद उन्होंने बोला भाई पैसा तो आपको देना पड़ेगा। तो हम लोग बोले छोड़ यार बहन की, एक बार ही होता है हादसा, बार बार थोड़ी ना होता है। तो मैं तो उसको 25 जो था उसका 25 दे रहा था, 2500 रुपये दे रहा था, ले दो मेरा 2000 दे दो, तो 2500 रुपये दे रहा था उसको, रख भाई तू। तो 2000 उसका मांगा और 1000 हमने ड्राइवर को टिप दिया, वो भी ऑनलाइन पे किया, हम लोग पास कैश नहीं था। अब वो 1000 वो अपने ड्राइवर को, कैब ड्राइवर को देगा या नहीं देगा, एज अ बक्सिस हम लोग ने दिया था ड्राइवर को। बाकी तो यार बहुत धांधली किया उस ऑनर ने, मिस्टर राजेश दुबे ने। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इस चीज़ से बचे रहिएगा, और आप कोशिश करिए कि वैसे लोग से आपका पाला ना पड़े और वैसी एजेंसी से आपका पाला ना पड़े, शांति एंड ट्रेवल्स। और कहना ये था कि भाई अगर आप कभी भी टूर एंड ट्रेवल्स का बुक करें, कैब बुक करें, तो वहाँ पे बकायदा आप कहाँ कहाँ जाना है मेंशन करा लें, कि हमें अटल टनल जाना है, क्रॉस करना है। जाने का मतलब ये नहीं कि भैया देख लो, यार अटल टनल मतलब अंदर घूम के आना है ना। बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने ऐसे ऐसे बोल दी हवे में, और उधर जाने के बाद नेगलेक्ट कर दिया कि नहीं हमने ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला। तो बहुत सारी बातें हुई, अभी घर पे जाके कुछ रिवील करेंगे कुछ बातें। यहाँ तो अभी बनारस में है, थोड़ा आपको नॉइज भी आ रहा होगा, क्योंकि हमारी एक एंकर है जो पूरे ट्रेन की डिटेल बताती रहती हैं अगर आप ट्रेन से सफ़र करें। बाकी चलिए, आपको घर में भी बहुत कुछ सारी बातें शेयर करेंगे।